दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहें। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक प्राचीन नमक के द्वारा आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, बहुत ही खास रेमेडी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। आइए जानकारी शुरू करते हैं। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूँ कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या आप लोगों ने काफ़ी विधि कर ली वशीकरण की, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और यहाँ पर इस विधि के द्वारा ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से विशेष पूजाएं की जाती हैं। और शाबर मंत्र जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं नाथ गुरु नाथपंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। तो वशीकरण की ये विधि यदि हम रुद्र मेडिटेशन की तरफ से आप करवाना चाहते हैं तो कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, आज की जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, सुबह से शाम रात जब भी आपको समय मिलता है। बस इस प्रयोग को आपको गुप्त तरीके से करना है, मतलब किसी की रोक टोक इसमें ना हो, एकांत कमरे में आपको करना है। इसमें कुछ सामान की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा नमक, किसी भी स्टील की कटोरी में, कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक। एक आपको लेना है बिना लाइनिंग वाला कागज, कोरा पेज छोटा सा ले लें। और एक आपको लेना है रेड कलर का आपको पेन या मार्कर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए कोई भी इस रिश्ते मतलब इस प्रयोग को आप किसी का वशीकरण करने के लिए जायज मकसद होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी को मिसयूज करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हम किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो व्यक्ति भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंस दे। यदि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से कोई रिश्ता निभा रहे हैं, अब वो कंडीशन ये आ रही है कि वो आपको छोड़ने की बात कर रहा है, तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। पति पत्नी में यदि बहुत ज़्यादा अनबन हो गई है, डाइवोर्स तक की कंडीशन आ गई है, तब भी ये प्रयोग किया जा सकता है। मतलब तमाम प्रकार की तकलीफें अगर रिश्तों से संबंधित है तो ये प्रयोग जो है 100% वर्क करता है और एक ही बार में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी सी कंडीशन ये आ जाती है कि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया ना हो, उसका पहले से वशीकरण ना हो, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक ना हो। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई भी क्रिया है तो उसके ऊपर आप नॉर्मल तरीके से उसका वशीकरण नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है आपको, नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। ठीक है, अंडर गारमेंट्स भी आपके शुद्ध होने चाहिए, एकदम स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सामने एक बाजोट पटरा लगा लें और एक किसी भी कागज में, सॉरी किसी भी प्लेट वगैरह में, डिश में एक चम्मच नमक रख लें। और उसके बाद में जो कागज आपने लिया हुआ है वहां पर सबसे पहले रेड कलर से उस व्यक्ति का नाम आपको लिख देना है, नीचे आपको प्लस का निशान लगाना है, उसके बाद में आपको अपना नाम लिख देना है। ये आपने कर लिया। अब आपको थोड़ा सा जो सामने नमक रखा हुआ है उससे थोड़ा सा नमक आपको लेना है, उल्टे हाथ में रखना है। ठीक है, मुट्ठी सीधे हाथ से इस तरीके से बंद कर देना है। उसके बाद में आँख बंद कर कर यहाँ पर 2 मिनट तक आपको ऐसा लगना चाहिए कि मतलब वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उसको विजुलाइज करना है, उसकी गहरी इमेज आपको सोचनी है, जितनी गहरी इमेज सोच सकते हैं। वो सोचने के बाद में आपको 11 बार एक मंत्र पढ़ना है, ओम रीम रीम त्रिट अमुक अमुक वस्य वस्य। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे, मुट्ठी खोलेंगे, 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे, नमक में आपको फूंक मार देनी है। इस नमक को आपको कागज में डाल देना है। फिर आपको एक चुटकी नमक उठाना है, उल्टे हाथ में रखना है, सीधे हाथ से बंद करना है आँख बंद करके, और उसके बाद में फिर से यही मंत्र आप 11 बार बोलेंगे। 11 बार मंत्र कंप्लीट होता है, 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे, फिर से नमक में फूंक मारेंगे और आपको उसमें नमक को कागज में आपको डाल देना है। फिर तीसरी बार भी आपको यही क्रिया करना है, मतलब नमक में 3 11 11 बार 3 बार मंत्र पढ़ के और 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर के आपको नमक को पुड़िया में डाल देना है। यहाँ पर ये छोटी एक क्रिया आपकी कंप्लीट हो गई, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो पुड़िया में आपने नमक डाला हुआ है इसको आपको पूरी पुड़िया फोल्ड कर देना है, पुड़िया बना लेना है, सीधे हाथ में रखना है। ठीक है, आँख बंद करनी है, उसके बाद में 11 बार यही मंत्र फिर से आपको बोलना है, अपने सिर से 3 बार उबार लेना है, 1 बार फूंक मार देनी है, फिर से 11 बार मंत्र बोलेंगे।
वाइज अपने से 11 बार उबारेंगे, फूंक मार देंगे। फिर से वही मंत्र 11 बार बोलेंगे, अपने से 11 बार उबारेंगे और उसके बाद में फूंक मार देंगे। ये क्रिया आपकी कंप्लीट हो गई, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अब इस पुड़िया को आपने क्या करना है, एक दिन तक अपने पर्स में, अपने तकिए के नीचे, मतलब अपने घर में आपको रखना है इसको, ठीक है। मतलब कि रखना इस तरीके से है कि किसी और की इसमें नजर ना पड़े, किसी और का इसमें हाथ ना पड़े। किसी और की अगर नजर पड़ जाती है, हाथ पड़ जाते हैं, तो ये रेमेडी वर्क नहीं करेगी। तो गुप्त तरीके से करना है। अब जैसे आज का दिन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, आज के बाद में आप यदि कल इस प्रयोग को, सॉरी आज आपने इस प्रयोग को किया, अब कल दूसरे दिन आपको क्या करना है, नहा धोकर के स्वच्छ होने के बाद में ये पुड़िया लेकर के आपको यदि कोई सुनसान जगह मिल जाती है, जो लोग बाहर जा सकते हैं वो सुनसान जगह में करें, जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो घर में भी कर सकते हैं। तो नमक को निकाल करके आपको बाहर कहीं भी सुनसान जगह में फेंक देना है, कागज के आपको 4 टुकड़े करके, और इसको भी आपको फेंक देना है। अब काफी लोग के साथ भी कंडीशन आती है कि सर हम बाहर नहीं जा पाएंगे, तो इसको आपके घर में कच्ची मिट्टी होगी, तो कच्ची मिट्टी में नमक को दबा देना है, कागज को फाड़ करके उसको भी आपको दबा देना है, या आप जला करके उसकी राख को भी दबा सकते हैं। कच्ची मिट्टी घर में नहीं है, गमले का भी यूज कर सकते हैं, कोई गमला वगैरह होगा, ठीक है, तो गमले में इस नमक को आप दबा दीजिए और कागज को जला करके इसकी ऐश हवा में भी उड़ा सकते हैं, और ज्यादा नहीं तो घर से बाहर भी थोड़ी 10-20 कदम की दूरी में जाकर के कहीं भी इसको आप दबा दीजिए। नमक को आपको जमीन में ही दबाना है और कागज को फाड़ करके फेंकना है, ये जला करके इसकी ऐश हवा में उड़ाना है। ये प्रयोग करने के बाद में आप देखेंगे कि आपको 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट समझ में आने लगेगा। जिस व्यक्ति के लिए आपने प्रयोग किया है वो टोटल आपके वशीभूत हो जाएगा, मतलब वो खुद ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। रिश्ते में कितनी भी खटास आ गई हो, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर कर देगा। मतलब इसमें जो होता है आकर्षण होता है, एक आपके अंदर एक आकर्षक आकर्षण की जो शक्ति है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी, अट्रैक्शन पावर आना शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा सावधानी ये रखनी है आपको, गुप्त तरीके से करना है। जब ये प्रयोग करेंगे तो किसी की भी रोक टोक इसमें ना हो, ठीक है, कोई देखे ना आपको। दिशा आपको रहेगी, मतलब कि मुंह आप करेगा पूर्व दिशा की तरफ रखना है, और थोड़े से नमक से प्रयोग करना है। और ये नमक का प्रयोग आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, कहीं भी वो व्यक्ति है, टोटल आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा। आपको कोई कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपसे आएगा मिलने, खुद ही आपको अनब्लॉक करेगा, ब्लॉक किया हुआ है अनब्लॉक करेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपको अपने तरफ से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरे विश्वास से करिए। और यदि आप लोग मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, रूद मेडिटेशन की तरफ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी, आप कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में।